कानून एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। किसान कानून को लेकर भाजपा की एक नामचीन सांसद ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने सियासी खेमे में सरगर्मी बढ़ा दी, और ये गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सियासी गलियारों में पूरे दिन न सिर्फ इसकी चर्चा रही बल्कि इसे प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान भी बताया गया। क्या है पूरा मामला बताएंगे आगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं गेटी भाविया, आप देख रहे हैं न्यूज स्कूल। कृषि कानून वो मुद्दा है जो देश में सबसे लंबे समय तक चला, एक ऐसा मुद्दा जिसने सियासी गलियारों में खूब हलचल मचाई। दिल्ली की सीमाओं से लेकर संसद तक इस कानून को लेकर खूब विवाद हुआ। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब भुनाया। 17 महीने तक इस कानून की वजह से देश के किसान आंदोलन पर बैठे रहे। उनकी मांग थी कि इस कानून को वापस लिया जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ भी 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने इस बिल को वापस लेने का फैसला सुनाया, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब एक बार फिर सियासी गलियारों में कृषि कानून को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, और इस मुद्दे को हवा देने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा सांसद कंगना रनौत है। जी हाँ, कंगना के एक बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठा दिया है। क्या कहा है, पहले इस वीडियो को आप गौर से सुनिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए, और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस बयान ने भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ जब कंगना के बयान पर पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया हो। खैर, विवादों और कंगना का मानो जैसे पुराना नाता हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति तक कंगना के बयान अक्सर विवादों का सबब बन जाते हैं। हालांकि कंगना ने अपने इस बयान और भाजपा की सफाई के बाद अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, बिल्कुल कृषि कानून पर मेरे विचार निजी हैं और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर इस बयान पर सियासी सरगर्मी के बीच LGP प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले ही कंगना के बयान पर अपनी सोच परोसते हुए कहा था कि ये कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, इसे पार्टी का लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बयान को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी 2021 में निरस्त किए गए 3 कानून को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा इसका करारा जवाब देगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है, हरियाणा में बोले जीतते ही 3 कानूनों को लागू करेंगे, कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ आज स्टेज के माध्यम से, चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही 3 कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कंगना की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून को की वापसी का प्लान बना रहे हैं।
कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी भी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कंगना के किसान कानून वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान की निंदा की है और पंज कसते हुए कहा कि कंगना के निजी विचार बहुत हैं, कंगना में बचपना बहुत है और उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। उधर कंगना ने भी ये कहा कि उनका बयान निजी है, मेरा बयान पार्टी का रुख नहीं है। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि ये कोई पहली बार नहीं था जब कंगना ने किसानों को लेकर टिप्पणी की हो। पिछले महीने भी कंगना ने एक इंटरव्यू में ऐसा ही बयान दिया था जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। उन्होंने किसानों को रेपिस्ट तक कह डाला था। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। वो किसान आज भी वहाँ बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसान, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है, देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितने इनकी बुद्धि है उतने इनकी करतूतें भी हैं। तो कंगना भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो बन गई है, मगर कंगना के विचार और बयान पार्टी के सुर से मेल नहीं खाते। आए दिन उनके बयानों की वजह से विपक्ष बीजेपी को घेरता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं कंगना का पार्टी में होना बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब तो नहीं बन गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा जरूर करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ ग्रुप से।